आपके साथ मैं हूं अनुजा। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दिया है। केशव मौर्य ने अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी वाड्रा पर हमला बोला है। प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए डिप्टी सीएम ने कहा है कि यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन 2019 के लोकसभा चुनाव से भी कमजोर रहा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं की कमी है, पार्टी में अब सिर्फ फोटो खिंचवाने वाले नेता ही बचे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि प्रियंका की सक्रियता के बावजूद कांग्रेस यूपी में खात्मे की तरफ बढ़ रही है। कांग्रेस 403 सीटों पर प्रत्याशी को उतार सकती है लेकिन जीत नहीं सकती है। अखिलेश यादव की तरफ से बूथ पर युद्ध नारा दिए जाने का केशव प्रसाद मौर्य ने तंज कसा है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अखिलेश यादव बीजेपी के बूथ विजय अभियान की नकल कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि नकल तो की जा सकती है लेकिन नकल करके बराबरी नहीं हो सकती है। अखिलेश यादव को बूथों पर यूथ नहीं मिलेंगे, उन्हें गुंडे माफिया और भय का वातावरण पैदा करने वाले अपराधी भले ही मिल सकते हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के पास भी बीजेपी की तरह सच्चे समर्पित और कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता नहीं है। समाजवादी पार्टी का यूथ कभी मजबूत नहीं हो सकता है क्योंकि यहां सच्चे और समर्पित कार्यकर्ताओं की कमी है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी जैसे निष्ठावान कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के पास नहीं है। सपा में सिर्फ शोषण और गुंडागर्दी करने वाले लोगों को ही बढ़ाया जाता है और कार्यकर्ताओं का सम्मान भी नहीं होता है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने यह भी कहा है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए देश पहले, पार्टी दूसरे और खुद की पहचान तीसरे नंबर पर होती है। बीजेपी के कार्यकर्ता त्याग और संघर्ष की भावना रखते हैं जो समाजवादी पार्टी और दूसरी पार्टी में देखने को नहीं मिल सकती है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए एसपीएन 9 न्यूज के साथ।